Radio Udaan presents quiz. Interrogate your intelligence. खेलने का जज्बा दिखाओ तो सही। खेलने का जज्बा दिखाओ तो सही। रेडियो उड़ान क्विज में आओ तो सही। दूर हो जाएगा आपकी जिंदगी का अंधेरा। एक बार ज्ञान का दीपक जलाओ तो सही। जी दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो उड़ान क्विज में। और एक नए क्विज में नए आरजे के साथ, नए पार्टिसिपेंट्स के साथ हम तैयार है इस खेल को लेकर। और हमें उम्मीद है कि आप भी तैयार होंगे सुनने के लिए, अपने नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए और अपने कंपेटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए। बहरहाल मैं ज्यादा समय ना लेता हूं, आपको आपके सामने इंट्रोड्यूस करता हूं अपनी को होस्ट को। हाय मैम, वेलकम। हेलो सर, थैंक यू सो मच। जी तो मैं हूं ज्योति मलिक। आई ऑल्सो वेलकम यू ऑल। मेरी तरफ से भी आप सबका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो उड़ान क्विज में। तो आज नए कंटेस्टेंट्स के साथ हम फिर से आए हैं आप सबके सामने, तो देखते हैं आज कौन जीतता है। जी बिल्कुल, जीत पार्टिसिपेशन करने वालों की होती है और जीते ये तीनों ही हुए हैं। बहरहाल आप अगर हमारे रेडियो उड़ान क्विज का पार्ट बनना चाहते हैं तो आपको एक छोटा सा काम करना है। वेबसाइट विजिट करिए www.radioudaan.com, वहां पर पार्टिसिपेशन फॉर्म फिलअप कीजिए और फिर इंतजार कीजिए हमारे फोन का। वेल नाउ इट्स द टाइम टू इंट्रोड्यूस द पार्टिसिपेंट्स। ओके लेडीज फर्स्ट, यू गो विद योर फर्स्ट पार्टिसिपेंट। माय फर्स्ट कंटेस्टेंट इज प्रियंका प्रजापत फ्रॉम दिल्ली। हेलो प्रियंका। हाय ज्योति, हाय दानिश, हाय टू ऑल। आपने बारे में बताइए थोड़ा बहुत, कहाँ से हैं आप और क्या करती हैं? बेसिकली आई एम फ्रॉम पंजाब, पर मैं अभी सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए दिल्ली में रहती हूँ। ओके इंटरेस्टिंग। सो नाउ टुडे वी हैव आईएएस एस्पिरेंट गोना विद द अपकमिंग आईएएस ऑफिसर। So, Priyanka, you know, your name is indicating something like you belong to the mythology Daksh Prajapati, isn't it? No, there's nothing like this. There's nothing like this. Oh, I was so happy. Okay, well, the next participant I have got Samuel Bajaj. Ma'am, welcome. First time you are joining us. Tell us about yourself. Aap kya karti hain? Kahan se hain? Kaisa lag raha hai aapko? Hello, sir. Thank you so much for choosing me. माय नेम इज सैम्यूल। बेसिकली आई एम फ्रॉम हरियाणा। मैं हरियाणा के एक शहर हिसार से हूँ। फिलहाल मैं एक इंजीनियर हूँ और एमबीए के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। दैट्स ऑल अबाउट मी। दैट्स ग्रेट। ओके तो ज्योति, हु इज द लास्ट एंड फाइनल पार्टिसिपेंट विद यू? या कंटेस्टेंट नंबर 3 और पार्टिसिपेंट नंबर 3 इज संजीव गांधी फ्रॉम चंडीगढ़। नमस्कार ज्योति और दानिश, मैं आपका और सब लिसनर्स का और मेरे जो को कंटेस्टेंट है उनका मैं वेलकम करता हूँ रेडियो उड़ान पर। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने मुझे इस सेगमेंट में एज ए कंटेस्टेंट आने का मौका दिया। और मैं चंडीगढ़ से हूँ। मैं आईएएस ऑफिसर की प्रेपरेशन तो नहीं कर रहा दोनों की तरह, मैं थोड़ा सा हटके मैं मतलब कुछ एनजीओ के साथ हल्का सा सोशल वर्क करता हूँ, ज्यादा नहीं। और प्लस मैं अपने गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। ओके सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल। वैसे तुमने जैसे बोला ना, मैं इनविटेशन तो हमने सारे चीफ मिनिस्टर्स को भी दिया लेकिन आते ही नहीं, इसलिए हम तुम्हारा शुक्रिया अदा करते हैं फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ रेडियो उड़ान क्विज। वेल नाउ लेट्स मूव टू द फर्स्ट राउंड। ज्योति, व्हाट इज द फर्स्ट राउंड? या इट्स हिस्ट्री। ओके इतिहास की प्यास। इतिहास की प्यास, बिल्कुल इतिहास की प्यास सबको होती है। और आज देखते हैं कि कौन किसकी प्यास बुझाता है, द मिलियन डॉलर क्वेश्चन। वेल मैं इसके रूल रेगुलेशन एक बार एक्सप्लेन कर दूं। ये हिस्ट्री राउंड है और हर पार्टिसिपेंट को दो दो क्वेश्चंस दिए जाएंगे और अगर आपको किसी का आंसर गलत होता है उसे पास कर दिया जाएगा। इसमें किसी तरह की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप इसे अटेम्प्ट कीजिए। सही जवाब के 10 पॉइंट होंगे और आपको जवाब देने के लिए 30 सेकंड्स मिलेंगे।
जी, और पास करके अगर आप सही आंसर देते हैं तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। बिल्कुल, आई थिंक रूल्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट? यस यस। देन शुड वी स्टार्ट? यस यस यस। वेल, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू। प्रियंका टीम ए, सैमुअल जी टीम बी एंड गांधी टीम सी। आई मीन पार्टिसिपेंट ए, पार्टिसिपेंट बी, पार्टिसिपेंट सी। सो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर पार्टिसिपेंट ए इज, हाउ लॉन्ग 1857 रिवॉल्ट लास्टेड? 1857 का विद्रोह कितने लंबे समय तक चला? ऑप्शंस आर ए 1 May 1857 टू 20 June 1858, बी 10 May 1857 टू 20 June 1858, ऑप्शन सी 10 May 1857 टू 31 May 1858। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आई थिंक सी 31 May। ओके, oh sorry, 31st something August. Yeah, she's saying C, 10 May 1857 to 31st May 1857. Okay, so what is the right answer? Can you repeat the options? Now you have given the answer, now we can't. Okay. You are saying C, okay, right? Okay. So is it right or wrong, Jyoti? Unfortunately, this is wrong choice. Okay, so what is the right answer? Yeah, right answer is B, 10 May 1857 to 20 June 1858. Okay, no problem. Team B, here is your question. Yes. Okay, so Samuel, for you, the question is, name the Nawab of Junagadh who refused to integrate his princely state to be the part of India. जूनागढ़ के उस नवाब का नाम बताएं जिन्होंने अपना रजवाड़ा भारत में शामिल करने से मना कर दिया था। Your options are A, मौलाना आजाद, बी मोहम्मद मोहब्बत कांजी III, सी मोहम्मद मुबारक। मोहम्मद मुबारक खान। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आई गेस इट्स ऑप्शन सी। ओके, you are saying Muhammad Mubarak Khan. Yeah, the right answer is option B, Muhammad Mohabbat Kanji III. Okay, he was the Nawab of Junagadh who refused to integrate his princely state to be the part of India. Team C, your first question, on your way. The Lucknow Pact was concluded in between. लखनऊ की संधि हस्ताक्षर की गई इनमें से, ए कांग्रेस एंड द ब्रिटिश, बी मॉडरेट्स एंड मिलिटेंट्स, सी कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। ओह, दैट्स एब्सोल्युटली राइट आंसर। कांग्रेचुलेशन संजीव, यू गॉट योर 10 पॉइंट्स। कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग इज द राइट आंसर। अब हम चलते हैं कंटेस्टेंट नंबर 1 की तरफ, प्रियंका प्रजापत। ओके, योर क्वेश्चन इज, गोवा वॉज डिक्लेयर्ड एज इंडियाज 25th स्टेट इन विच अमंग द फॉलोइंग ईयर्स, ए 1985, बी 1986, 1987। गोवा भारत का 25वां प्रांत बना इनमें से कब? ए 1985, बी 1986, सी 1987। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 1987। एब्सोल्युटली राइट आंसर। यू वर आस्किंग और यू वर रिप्लाइंग? नो, आई वाज रिप्लाइंग। ओके, नाउ इफ यू आर आस्किंग वी कैन चेंज। Yeah. Okay, you got your 10 points. Congratulations. Thank you. Samuel ji, okay. Here is
another question for you. Okay. Statue of Liberty, which recently completed 125 years, was a gift of American people from the people of? Statue of Liberty, जिसने अभी अपने 125 साल पूरे किए हैं, वो अमेरिकन लोगों को तोहफा दिया गया था, इनमें से किस कंट्री के लोगों द्वारा? A. Italy, B. Britain, C. France. Your time starts now. I need to make a guess, so I guess it's Italy. I guess so. If you don't know the answer, you can pass as well. Here is no negative marking. Let her. Yeah. No, there's no negative marking. But you can so guess. I would rather guess. Yeah. Yeah. I guess great. It's Italy. Okay, Italy. But unfortunately, this is wrong answer. Okay. Right, what's answer, the right answer is France. Yeah, France. France is the right answer. Option C was France. Okay. Okay, no problem. Many rounds are there. Abhi bahut se rounds hain abhi. So let's move to contestant number 3. Last question of this round. In which among the following years the modern Olympic Games were held for the first time? आधुनिक ओलंपिक खेल कब आरंभ हुए? A. 1889, B. 1896, C. 1897. Your time starts now. 1896. Really? You are factually right. एक्चुअली ये मैंने इस क्वेश्चन कहीं सुना था, मैंने कहीं पढ़ा था, तो मुझे याद. वंडरफुल. कांग्रेचुलेशन यू अगेन, एंड हियर इज द एंड ऑफ दिस वेरी फर्स्ट राउंड. जैसे ज्योति ने कहा, इतिहास की प्यास, तो इस समय तो लग रहा है गांधी ने सबकी प्यास बुझाई हुई है. ओके, आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक आई विल टेल यू द स्कोर्स ऑफ द कंटेस्टेंट्स. जी हाँ दोस्तों, मेरे यानी कि अपने दोस्त आरजे श्याम के साथ चलिए टेक्नोलॉजी के सफर टेक सिटी पर, जहाँ होंगी बातें मोबाइल्स की और होंगी बातें कंप्यूटर्स की. तो मेरे यानी कि अपने दोस्त आरजे श्याम के साथ सुनना ना भूलिएगा हर बुधवार रात 8 बजे रेडियो उड़ान पर टेक सिटी. Welcome back friends. So let me announce the scoreboard. Contestant A ko milte hain 10 points. Contestant number B is with 0 now. Contestant number C is with 20 marks. He is leading with 20. Yeah. Yeah. Well, so let's move to the another round, which is which round you have selected, Jyoti? Next round is geography. Geography, another interesting round. तो geography round में भी हम बिल्कुल इन्हीं rule regulations के साथ खेलेंगे. कोई negative marking नहीं है. So you attempt it, you won't lose anything. और आपको वही 10 points दिए जाएंगे सही जवाब के. और कोई negative marking तो नहीं है. So are you ready for the round? Should we start? Yes. So team A, here is your first question. For Priyanka, question is, which is the most literate union territory in India? भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में से सबसे ज्यादा साक्षर दर किस केंद्र शासित प्रदेश की है? A. दिल्ली, B. दादर एंड नगर हवेली, C. लक्षद्वीप. Your time starts now. No negative marking, na? No. No negative marking. It's Delhi. Unfortunately, this is the wrong answer. The right answer is Lakshadweep. Okay. Literacy rate in Lakshadweep is 92.2%. Okay.
ओके, तो सैमुएल जी आपके लिए योर क्वेश्चन इज, द रेडक्लिफ लाइन इज अ बाउंड्री बिटवीन, रेडक्लिफ नामक बाउंड्री इनमें से किन किन के बीच है? ए इंडिया एंड पाकिस्तान, बी इंडिया एंड चाइना, सी इंडिया एंड बांग्लादेश. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. इट्स सी इंडिया एंड बांग्लादेश. या आई वाज एक्सपेक्टिंग कि यू विल से दिस, बट द राइट आंसर इज इट इज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. या द राइट आंसर इज पाकिस्तान. या रेडक्लिफ लाइन, ये रेडक्लिफ जो थे एक अंग्रेज का नाम है जिन्होंने भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के लिए लाइन खींची थी. इन्होंने मैप पर ही लाइन खींच दी थी तो उनके नाम से इसका नाम पड़ा रेडक्लिफ. आई डिडंट नो दैट. वेल हियर इज योर क्वेश्चन संजय. योर क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. किस राज्य की जनसंख्या घनत्व बहुत कम है, सबसे कम रहता? ए अरुणाचल प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी मेघालय. योर टाइम स्टार्ट. अरुणाचल प्रदेश. ए अरुणाचल प्रदेश. वेरी मच फास्ट यू आर. ये मैंने आपका शो सुना था डेट विद स्टेट. कॉन्ग्रेचुलेशन. एब्सोल्युटली राइट. इट मींस यू आर लिसनिंग रेडियो रेगुलरली. एब्सोल्युटली राइट आंसर. कॉन्ग्रेचुलेशन संजीव. वेल प्रियंका जी, हियर इज अनदर क्वेश्चन फॉर यू. ओके, द ओल्डेस्ट माउंटेन्स इन इंडिया आर ए अरावलीज, बी विंध्या, सी सतपुड़ास. भारत के सबसे प्राचीन पहाड़ियां हैं ए अरावलीज, बी विंध्यास, सी सतपुड़ा. अरावली. स्टार्ट्स नाउ. ओके अरावली. आई एम प्रीटी श्योर. एब्सोल्युटली राइट आंसर. कंग्रेचुलेशंस. थैंक यू. वेल सो नाउ कंपटीशन इज गेटिंग अ बिट टफर. Really, I'm enjoying, you know. Me too. I'm not enjoying. You will enjoy, no problem. We'll get back. We'll get back after this round. Let's move to contestant number B, Samuel. Which of the following drainage system fall into Bay of Bengal? इनमें से कौन सा जल निकास बंगाल की खाड़ी में गिरता है? A. गंगा, ब्रह्मपुत्रा एंड गोदावरी, बी महानदी, कृष्णा एंड कावेरी, सी बोथ ए एंड बी. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. आई गेस इट्स ए. ओके, यू आर सेइंग इट्स ए. ए इज फॉर श्योर. A is for sure, it, yes. But that is, you are right. But in this question, C is the right because both A and B are right. Okay, I was not sure about Krishna. Yeah. That is the only reason I lost it. No problem. Okay. So, C is the right answer. Both A and B means Ganga, Brahmaputra, Godavari, Mahanadi, Krishna and Kaveri all fall into the Bay of Bengal. Okay, so... Now let's move to contestant number C. Which one of the following Indian states registered most number of tribes? इनमें से किस प्रांत में सबसे ज्यादा जनजातीय पंजीकृत की गई हैं? A. ओडिशा, बी मध्य प्रदेश, सी अरुणाचल प्रदेश. Your time starts now. C. अरुणाचल प्रदेश. Here is the first question. Your answer is not right here. Yeah. Okay, actually Odisha, na I think na. Madhya Pradesh is the right answer. Madhya Pradesh. Okay, okay. मेरे को Odisha और actually Arunachal Pradesh में लग रहा था. No, Madhya Pradesh is the right answer. Well, here is the end of second round.
and now the competition is very interesting. It's going to be interesting. I really enjoyed it. And now before we go to the scoreboard, let's talk to the participants, how they are enjoying. Priyanka ji, kaisa lag raha hai aapko? I'm feeling very excited. Okay, so Samuel ji, aap bataiye. I'm enjoying this show. मुझे तो बहुत नई नई बातें पता चल रही है. I mean, being an engineer, I never knew these things about history and geography, which are very great, जो पता होने चाहिए. ओके जी, इसी मकसद से हमने ये रेडियो उड़ान क्विज को शुरू किया है. थैंक यू सो मच फॉर दैट. जी संजीव जी, कैसा लग रहा है आपको? जी मुझे, मैं सही आपको बताऊं, शुरू में तो मुझे डर लग रहा था कि मेरे सामने दो आईएएस ऑफिसर आ गए, पर अब मुझे अच्छा लग रहा है. आई फील वेरी हैप्पी. संजीव जी, मैं आईएएस ऑफिसर नहीं हूं, एक ही आईएएस ऑफिसर है यहां. आईएएस ऑफिसर है. ओके, एक्चुअली मेरी सोच साइकोलॉजी से माइंड गेम, ये माइंड गेम थी संजीव. इंजीनियर भी बहुत तेज होते हैं. यस यस. Thank you. Jyoti will announce the scorecard. But after a short break. कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी. दोस्तों, अक्सर आपने बॉलीवुड स्टार्स को पर्दे पर तो रोमांस और एक्शन करते हुए देखा होगा. मैं तुम्हारी आंखों में अपनी मोहब्बत का इकरार देखना चाहता हूँ. मेरी आंखों से मेरे ख्वाब न छीनिए शहजादे, मैं मर जाऊंगी. लेकिन क्या आपको पता है कि उनका ऐसा ही रोमांस, ऐसा ही एक्शन पर्दे के पीछे भी था? ऐसी ही कुछ दिलचस्प कहानियां बॉलीवुड स्टार्स की लव स्टोरी और उनके वॉर की हम आपको सुनाएंगे अपने इस खास शो में, जिसका नाम है लम्हे लम्हे कुछ खट्टे कुछ मीठे मीठे, जिसे आप सुन सकते हैं हर बुधवार रात 9 से 10 सिर्फ रेडियो उड़ान पर, मेरे यानी आरजे सुशील के साथ. कुछ कुछ खट्टी कुछ कुछ मीठी. वेलकम बैक, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका रेडियो उड़ान क्विज में. तो अब देखते हैं हमारे कंटेस्टेंट की सेकेंड राउंड में क्या परफॉर्मेंस रही. फर्स्ट और सेकेंड राउंड के टोटल स्कोर्स मैं आपको बता देती हूँ. कंटेस्टेंट नंबर ए पहुंच गई है 20 पर. कंटेस्टेंट नंबर बी इज येट टू ओपन द काउंट. एंड कंटेस्टेंट नंबर सी हैव ऑल्सो रीच्ड टू 30 पॉइंट्स. Well, Sanjeev is leading and Samuel ji has got many answers under her belt. Wrong. No. But you got the right answer as well, right? Yeah. That was a bit confusion. Now, I think your favorite round will be on the way, no problem. They can be on the way. Sure. Yeah. So, now, hum teesre round mein hain. To teesra round Jyoti kaun sa hai? Yeah, the third round is computer and technology. So, computer or technology round hai. Isme aapke rule regulation ab change ho jayenge. So, I need your attention. Isme aapko do questions diye jayenge. Sahi jawab 10 point. Galat jawab minus 5 point. Agar aapko nahi aata hai, आप पास कर दें उसे. डोंट गिव एनी रॉन्ग और राइट आंसर इफ यू वॉन्ट टू प्ले अ सेफ गेम. तो अगर आप पास कर देते हैं तो आपके पॉइंट नहीं काटे जाएंगे. क्वेश्चन पास होता है, अगला पार्टिसिपेंट आंसर देता है, ही और शी विल गेट 5 पॉइंट, बोनस 5 पॉइंट. ऑप्शंस नहीं होंगे इस राउंड में. ओके सो लेट्स स्टार्ट. यस. क्वेश्चन फॉर Contestant A is, who was the founder of Bluetooth? Bluetooth के संस्थापक कौन है? Pass. Team B.
30 seconds. Okay, I get 30 seconds. Fast. Fast. Otherwise, you will go in minus. Fast or pass it. Ericsson. Ericsson, I guess. Absolutely you right. Right, and you know you have answered on 29 seconds. Oh my god, she was thinking very badly, you know. Yeah, because I knew it, but I was not remembering it. Okay, that's 5 right. Bonus points aapko mil gaye, aapko mubarakbad. Thank you. Here is your state question. Okay. Your question is, what is the full form of URL? URL ki full form URL. URL. Your time starts URL. Now. It's a uniform resource locator. Uniform resource locator, yeah. Absolutely right answer. I told you before. You know, Samuel ji, ye Priyanka ji chatting kar rahe hain mere saath, bol rahe hain, bolte ye round aap cancel karo computer wala. Oh, maine aisa kuch nahi bola. Nahi, maine aisa kuch history aur geography ke bare mein nahi bola na. To computer mein kuch to hona chahiye. Okay, Samuel ji, you are playing very well. Priyanka, you know, jab aap answer de rahi thi, tab Samuel ji mujhe chat karke bol rahe the, ye round cancel karo. Oh my god, thanks Samuel. Aisa maine nahi kiya. No, it's just okay. Fun. So okay. Sanjeev, here is your question. Who was the father of internet? Internet ke pita ka naam bataye. The first time getting to know that Pass. Internet has also father. Pass. Well, okay, Priyanka ji. Everything has a father. Okay. Priyanka ji. Priyanka. Father of internet. Ji. Yeah. Time chal raha hai. सही जवाब 10 पॉइंट, गलत जवाब माइनस 5 पॉइंट, पास कुछ भी नहीं, टाइम खत्म हो गया तो माइनस 5 पॉइंट. रॉबर्ट. यू अटेम्प्टेड. अटेम्प्टेड. नो. और यू सेड रॉबर्ट ओनली. वेल, यू अटेम्प्टेड एंड ज्योति. ओके. व्हाट इज द राइट आंसर ज्योति? यू हैव अटेम्प्टेड. ओके. ओके. सो माइनस 5 विल बी देयर. But the right answer is? Right answer is windsurf. Windsurf. I thought it would be fast because I knew it. Oh. Sorry, Samuel. Gandhi, ye ab ye dono behne ikatthi ho gayi hain. Nahi, ye computer ka hai thoda sa. अच्छी जानकारी है शायद. हाँ, और हमने बहुत बेसिक रखा है क्योंकि नया राउंड अपना हमने इंट्रोड्यूस किया है, तो हमारा मकसद है कि बेसिक नॉलेज हमारे लिसनर्स तक पहुंचाई जाए एटलीस्ट. गुड आइडिया. कंटेस्टेंट एक का जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया? भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम बताएं. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Jyoti is confused or Priyanka is confused? No, or I am confused. Do you know the exact? Param 500. Priyanka, it's Param 8000. I should get half marks. Oh no. Yeah, we are cutting your half marks. No problem. Okay, minus 5 points. Yehi is game ka maja hai. You never know. Yeah, definitely. When the table will turn. Kaun jeetne wala hai aur kaun haarne wala hai, bilkul. You really don't know when table will turn. Okay. So, Samuel ji. Haan ji. Puchle question. बिल्कुल. ओके, सो हियर इज योर क्वेश्चन. व्हिच इज
मोस्ट कॉमन लैंग्वेज यूज्ड इन वेब डिजाइनिंग? वेब डिजाइनिंग में सबसे साधारण जो सबसे ज्यादा प्रयोग की जाने वाली भाषा है उसका नाम बताए। आजकल जो यूज की जाती है या शुरू से ही जो यूज की जा रही है? मोस्ट कॉमन HTML. एब्सोल्युटली राइट आंसर। मैडम आप बजर भी नहीं बजाने देते हैं मुझे। देखो भाई मैंने मेहनत किया, अगर आप बजर नहीं बजाने दोगे तो -5 पॉइंट कर लूंगा मैं। नहीं नहीं सर, आगे से प्लीज आप बजर बजाने के बाद मेरा नाम लीजिएगा, मैं तभी आंसर करूंगी। ओके यू गॉट योर 10 पॉइंट्स। थैंक यू संजीव। यस डोंट गेट क्वाइट हियर। ओके सो यू हैव पुट अ ग्रेट प्रेशर ऑन संजीव। नाउ संजीव हियर इज योर क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस राउंड। एक्सपैंड CD-ROM। CD-ROM की फुल फॉर्म बताएं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। पास। प्रियंका जी। CD-ROM डिस्क ऑपरेटिंग मशीन। CD-ROM। CD-ROM पूछा। पास। नो प्रियंका, डोंट बी इन हरी। My God, what you are doing? क्या ये क्वेश्चन मुझ तक पास होकर आएगा? अब तो नहीं आ सकता क्योंकि उन्होंने कॉम्पैक्ट डिस्क मशीन, व्हाट यू हैव सेड, ऑपरेटिंग मशीन। आई मिक्स टू थ्री थिंग्स। नो। ओके व्हाट इज द राइट आंसर ज्योति? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। या रीड ओनली मेमोरी इज द राइट आंसर। Well, ladies and gentlemen, here is the end of third round and it was very interesting round from the point of view Samuel Bajaj ji. Thank you. And it was Priyanka ji, main kya bolu, mere ko shabd nahi aa rahe. Well, I was overexcited. Yes. I think. No problem. तो सभी का कुछ ना कुछ ओवर हुआ इसमें, तो अभी इस राउंड के स्कोरबोर्ड के लिए जाते हैं हम ज्योति मलिक के लिए। उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। प्रतिभा की पहचान, प्रज्ञा की मुस्कान, सबलांगों का साथी, ये है रेडियो उड़ान। रेडियो उड़ान के प्रोग्राम्स की जानकारी के लिए, शोज में पार्टिसिपेट करने के लिए, किसी भी शो को फीडबैक देने के लिए, आर्काइव रिक्वेस्ट करने के लिए, आरजे बनने के लिए और अपने फेवरेट आरजेस की प्रोफाइल्स पढ़ने के लिए लॉग ऑन करें www.radioudan.com। स्काइप आईडी रेडियो उड़ान, ईमेल mail@radioudan.com। रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो एक बार फिर से अब हम, मैं और दानिश महाजन और हमारे कंटेस्टेंट्स रेडियो उड़ान क्विज में हाजिर हैं। तो मैं अपने स्कोर बोर्ड आपको पढ़कर सुना देती हूँ। इन तीनों राउंड्स में कंटेस्टेंट नंबर ए पहुंच गई है 5 पॉइंट्स पर, कंटेस्टेंट नंबर बी पहुंच गई है 25 पर एंड कंटेस्टेंट नंबर सी अभी भी है 30 पर। सो ही इज क्लेवर, ही जस्ट पास्ड द क्वेश्चंस, ही डोंट नो, ही प्लेड अ सेफ गेम। या ही प्लेड अ सेफ गेम, दैट्स नाइस। तो जी हम पहुंच गए हैं अब चौथे राउंड में। जी बिल्कुल, फोर्थ राउंड है इंग्लिश। ओके इंग्लिश, ये ओके किसने कहा? मैंने, सैमुअल। इंटरेस्टिंग राउंड। ओके वेल, इसके भी कुछ उसी तरह के रूल रेगुलेशन है। नेगेटिव मार्किंग होगी, पास कर देना अगर नहीं आता होगा तो। प्रियंका जी अब तो अभी चक देना, मैं कॉशियस रहूंगी इस चीज के लिए। अब तो फटे चक देना, दो ही राउंड बाकी है, कोई बात नहीं। ओके
Okay. तो इस राउंड की दो चीजें मुझे आपको मैं पहले क्लियर कर दूंगी. इस राउंड में आपको राइट और रॉन्ग में आंसर देना है, सिर्फ ऑप्शंस okay. नहीं होंगी. आपको सिर्फ ये बताना है कि जो आपसे पूछा गया है वो राइट है या रॉन्ग है. और उसके अलावा जब बजर की बात थी तो जब कहा जाए कि आपका समय शुरू होता है अब, तब आंसर दीजिएगा राइट और रॉन्ग या फिर पास. ओके okay. और एक बात मैं भी क्लियर कर दूं, जब दो ज्योति ने की है तो इस क्वेश्चन को हिंदी में ट्रांसलेट नहीं किया जाएगा. ओके फॉर मी ना, नो 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 नॉट फॉर नो वन. इंग्लिश को हिंदी में कर दिया फिर आंसर आ जाएगा. ओके ओके ओके. कंटेस्टेंट ए, द स्टडी ऑफ एंशिएंट सोसाइटीज इज कॉल्ड आर्कियोलॉजी, राइट और रॉन्ग? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. राइट, एब्सोल्युटली राइट. लेकिन आपने बजर से पहले दिया था, अगर नेक्स्ट टाइम दोगे तो हम पॉइंट काटेंगे. आई फॉरगॉट. एक बार माफ करना होता है भाई. फर्स्ट एंड लास्ट टाइम. यू हैव गॉट योर 10 पॉइंट्स. थैंक यू. जी मैं बता दूं कि आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट वो होता है जो हमारे प्राचीन समाज के समाज से जुड़ी पुरातत्व विभाग. जी तो जो प्राचीन सोसाइटी की तमाम बातें होती है, जैसे हड़प्पा की सभ्यता, सिंधु की सभ्यता बहुत फेमस है, या जैसे बाबरी मस्जिद हो गई, या कुछ सभी जो चीजों की देखरेख करते हैं और हमें बताते हैं कि वो प्राचीन काल में क्या था. जी बिल्कुल. इनकी स्टडीज को के लिए आर्कियोलॉजी टर्म यूज की जाती है. तो ये राइट था. अब हम चलते हैं कंटेस्टेंट बी की तरफ. ओके, योर क्वेश्चन इज, कैचिंग द अर्लियर ट्रेन विल गिव अस द लक टू डू सम शॉपिंग. दिस सेंटेंस इज राइट और रॉन्ग? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. कैन यू प्लीज रिपीट इट वंस? कैचिंग द अर्लियर ट्रेन विल गिव अस द लक टू डू सम शॉपिंग. इफ यू वांट वी कैन रिपीट अगेन. Okay. It's wrong. It's wrong. Absolutely right. Here, chance word will be there instead of luck. Yeah. Yeah. Catching the earlier train will give us the chance to do some shopping. This is the right sentence. Okay. Sanjeev, here is your question. There is an idiom to keep one's temper means to be in good mood. Right or wrong? Again, see. There is an idiom to keep one's temper means to be in good mood. The time starts now. Right or wrong? Wrong. This is right. तो माइनस पांच पॉइंट. या ओके. प्रियंका जी, हियर इज योर क्वेश्चन. एंटोनिम ऑफ रिलिंक्विश इज डिनाई, राइट और रॉन्ग? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. ओके सैमुअल जी, रिलिंक्विश. या एंटोनिम ऑफ रिलिंक्विश इज डिनाई, राइट और रॉन्ग? 22 सेकंड हो गए हैं. फर्स्ट एंटोनिम राइट? या इट्स रॉन्ग. एब्सोल्युटली राइट. दैट्स सिनोनिम्स एक्चुअली, काइंड ऑफ सिनोनिम. Yeah, the right, the antonym is possess. You got your 5 bonus point. Thank you. Congratulations. Thank you. So now here is your straight question. Yeah. One of the members expressed doubt that the minister was an atheist. Sentence is right or wrong? Your time starts now. Could you please repeat the sentence? One of the members expressed doubt that
The minister was an atheist. Grammatically right wrong batana hai, hai na? Yeah. Anything can be there. You have to find out whether this sentence is wrong or right. Fast. I guess it's right. It can be right. Okay. Absolutely right. Thank you. You scared me. Congratulations. Thank you. तो इस राउंड का जो अंतिम प्रश्न है संजीव जी आपके लिए. ओके, योर क्वेश्चन इज, वंस ही हैज साइंड द एग्रीमेंट ही वॉन्ट बी एबल टू बैकअप, राइट और रॉन्ग? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. राइट. Wrong. It's back off. It is back out. Okay. Instead of backup, back out it should be used. Will be used. Yeah. Okay. So now here is the end of this fascinating round. So Samuel G is outshone everywhere. Thank you. Now it's the time for the Jyoti to prepare the scoreboard and time for me to talk to our participants. So what we should do first? Scoreboard you can or your scoreboard? Let me talk. Okay. Scoreboard. Okay. Priyanka ji, overall experience kaisa hai? Questions kaise hain? Koi suggestion? इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, मतलब अच्छा है. कोई सजेशन इम्प्रूवमेंट के लिए? बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज ऑल मतलब मुझे लगता है कि सभी फील्ड्स के क्वेश्चंस को बहुत एक अच्छे लेवल पर रखा गया है, ना मुश्किल है ना बहुत इजी है, दे आर नाइस आई गेस. जी सैमुअल जी, आप बताइए कोई सजेशन, कैसा लग रहा है आपको खेल के? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जो जिन सब्जेक्ट्स में मैं वीक हूँ उनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी. तो पार्शियलिटी अच्छा लग रहा है. नो, दे डिडंट नो दैट, राइट? तो पार्शियलिटी कैसे हुई? दैट्स जस्ट माय लक. दैट्स जस्ट माय लक. एंड व्हाट योर एक्सपीरियंस प्रियंका? आई वांट मोर क्वेश्चंस. देयर विल बी नेक्स्ट राउंड ऑफ प्रॉब्लम. लेडी लक वाज विद लेडीज. ओके. Okay. I'm happy for Samuel. Thank you. संजीव जी आप बताइए कोई इम्प्रूवमेंट के लिए कोई सजेशन? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे. जी जी, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है. और कोई सजेशन की जहाँ तक बात है तो ऐसी मतलब अच्छा, आप लोग अच्छी मेहनत कर रहे हैं, आप अच्छा अच्छे क्वेश्चन जो है वो पुट कर रहे हैं और हमें मजबूर कर रहे हैं पढ़ने के लिए. अगला टॉपिक भी प्लीज मेरे चॉइस का. हाँ जी, वो आ रही है पंजाब से, गाड़ी दिल्ली में आ रही है अभी, सजेशन से भरी हुई. ओके, सो नाउ ज्योति इज रेडी विद द स्कोर बोर्ड. ओके, सो हियर आर द स्कोर्स. कंटेस्टेंट ए 15, बी ऑन 40, सी ऑन 20. Okay, so now last round, table can be turned around. Let us see who is going to be the winner, who will take the driving seat in our grand finale. And the person who will win the grand finale will be gifted. So now round is, at least ab main sure hoon ki ab Jyoti change nahi kar sakti round ko. The final round is current affair round. Absolutely. Current affair round, which will give two of the participants a current. Okay. So, इसमें rules and regulation थोड़े से change हैं. इसमें आपको answer देना mandatory है, बिल्कुल आपको answer देना ही पड़ेगा. सही जवाब 10 point, गलत जवाब minus 5 point. Minus 1 or minus 5? 5. ओके, तो आप पास नहीं कर सकते हैं. अगर आपको नहीं भी आया
तो आपको माइनस 5 पॉइंट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली. ओके. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, लास्ट राउंड ऑफ द क्विज. ज्योति इज रेडी विद द क्वेश्चंस, पार्टिसिपेंट्स आर रेडी विद द आंसर्स. हियर वी गो. फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द फाइनल राउंड फॉर प्रियंका जी इज, Recently, which company has purchased Motorola? Your options are A. HP, B. Dell, C. Lenovo. Kis company ne abhi Motorola ko kharida hai? Options have been already given to you and your time starts now. Lenovo. You are right. Absolutely right. Congratulations. Thank you. 10 points. Samuel ji, here is your question. Yes. How many seats INLD means Indian National Lok Dal won in Haryana? Recent elections? Yeah. Yes, how yes, many yes. seats? Let me repeat the question once. How many seats Indian National Lok Dal won in Haryana? भारतीय राष्ट्रीय लोकदल ने हरियाणा में कितनी सीटें जीती थी अभी अभी हुए विधानसभा के चुनावों में? ए 18, बी 19, सी 20. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. सी 20. राइट आंसर इज 19. ओह शिट. Minus 5 point, no problem. Minus 5. Okay. Sanjeev. Yes. If Sanjeev gives a right answer, it will be very interesting. Okay. Let's see what happens. Who is the Attorney General of India? Bharat ke mukhya nyayavadi kon hai? A. Ranveer Sinha, B. Justice H.S. Lodha, C. Mukul Rohatgi. Your time starts now. Again, option repeat. A. Ranveer Sinha, B. Justice H.S. Lodha, C. Mukul Rohatgi. I think A. Mukul Rohatgi is the right answer, Sanjeev. Yes. Mukul Rohatgi is the right answer. The answer you have given, that's wrong. So, minus 5. Priyanka ji, last yes. question for you of this quiz. Okay. In United Nations General Assembly, Prime Minister Modi called for celebration of International Yoga Day on A. 21st June, B. 21st July, C. 22nd August. संयुक्त राष्ट्र की 69वीं महासभा में नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योगा डे बनाने का प्रस्ताव पेश किया, वो आपको डेट बतानी है. Can you repeat the date? Yeah. You have to repeat. Your time starts now. Options are 21st June, B. 21st July, C. 22 August. 21st June. You're right. Absolutely right. Congratulations, Priyanka. Thank you. और 50 कंट्रियों ने इसका समर्थन भी कर दिया है रिसेंटली कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाना चाहिए. Okay, Samuel ji, be cautious. I am. It will decide. Decisive questions for you. Last question for you of this quiz. Yes. Okay, the question is, a sealed list of how many names of black money holders have been submitted to Supreme Court by central government. केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में इनमें से कितने लोगों के नाम
सबमिट किए गए हैं ब्लैक मनी होल्डर जिनको माना जा रहा है. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. ऑप्शन ए 629, बी 627, सी 626. It's 627. You are absolutely right. Oh God! Thanks to Times of India. I read that. You have got your 10 points. You got your 10 points. Thank you. Congratulations! And Sanjeev, last question of the quiz for you is: how many seats Congress won in Maharashtra? A 41, B 42, C 43. अभी अभी हुए विधानसभा के चुनावों में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली महाराष्ट्र में. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. 42. एंड यू आर राइट. ज्योति विल से इट. यू नो व्हेन समवन गिव्स राइट आंसर आई लाफ विदाउट मेकिंग नॉइस. वी गॉट द सीक्रेट. Yeah, so now at the end of the quiz, you have got the secret. That's nice. Sanjeev, you got your 10 points as well. Congratulations. So, ye current affair mein sabhi bahut acha khele. Overall quiz bhi bahut acha khele. Ki pure quiz mein kabhi pata nahi lag raha tha kaun jeetne wala hai. Last round tak, last question tak, right? Yeah. So, after a very short break, listeners will get to know who is the winner of today. क्या आप इच्छुक हैं जानने के लिए भारतीय राज्यों की संस्कृति, पहनावे और खान पान के विषय में? बड़े सूर जो तारो मारो बने अपनो सूर निराळो. तो आइए मेरे साथ रेडियो उड़ान पर हर बृहस्पतिवार रात 10 से 11 प्रोग्राम डेट विद अ स्टेट में. इस प्रोग्राम के दौरान आप हमें हमारी स्काइप आईडी रेडियो उड़ान पर कॉल भी कर सकते हैं. अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें www.radioudan.com. Seven days, 168 hours, 10,080 seconds. The world faces infinite amount of changes. Thunderous, terrorizing, terrible, and tantalizing events. Everything will be kept in 60 minutes, only on Radio Udaan, World This Week, a war on the globe. Every Sunday, 8 to 9 p.m. with Bala Rangendran. Don't forget to tune into Radio Udaan to listen to World This Week, a war on the globe. वेलकम बैक फ्रेंड्स. तो अब आपको पता चलेगा कि इन तीन कंटेस्टेंट्स में से कौन जाएंगे हमारे रेडियो उड़ान क्विज के ग्रैंड फिनाले में, जहां पर बाकी के दो कंटेस्टेंट भी होंगे जो कि जीत कर आएंगे. तो अब मैं आपको बताती हूं हमारे फाइनल स्कोर्स. कंटेस्टेंट ए के फाइनल स्कोर्स हैं 35. क्लैपिंग. Contestant B, your final scores are 45. Yay. Contestant C, your final scores are 25. So today Samuel Bajaj आज के शो के विनर हैं. आपको बहुत बहुत मुबारकबाद. पटाखे चल रहे हैं आपकी जीत पर. Oh my God, thank you. तो संजीव और प्रियंका जी, आपने भी बहुत बढ़िया खेला. आप फिर खेल सकते हैं हमारे साथ. तो उम्मीद करते हैं कि आपने भी एंजॉय किया होगा, लिसनर्स ने भी बहुत एंजॉय किया और मैंने बहुत एंजॉय किया. ज्योति बताएगी उसने एंजॉय किया या नहीं. भाई डेफिनेटली, ये तो कोई सवाल ही नहीं उठता. मैं चाहती हूँ एक बार हमारे कंटेस्टेंट से भी फाइनल वर्ड सुन लिए जाए. जी बिल्कुल प्रियंका. जी प्रियंका जी बताइए. मुझे इस शो पे आके बहुत अच्छा लगा और सीरियसली मैंने इस
क्विज को बहुत हेल्दी वे से एंजॉय किया. दैट्स ग्रेट. जी संजीव जी आप बताइए. जी मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने जो एक अच्छा प्लेटफॉर्म जो दिया, और कम से कम जो हमारे लिसनर है और हम लोग हैं, हमारे में एक पढ़ने की क्यूरियोसिटी इस बहाने मतलब कहीं ना कहीं जो है क्रिएट होगी. तो एक बहुत अच्छा एक आप लोगों का प्रयास है और आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं. बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल द आरजेज एंड ऑल द रेडियो उड़ान टीम. जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच. जी सैमुअल जी अब आप बताइए कैसा लग रहा है आपको. सो मैं एक्चुअली थोड़ी सी शॉक्ड भी हूँ और बहुत खुश हूँ, बिकॉज मैं ऐसे ही आई थॉट चलो कर लेते हैं मजा आएगा, बट पहले दो राउंड में मुझे लगा कि मेरा कुछ नहीं होगा. फिर उसके बाद इट वाज नाइस एक्चुअली. सारी इन्फॉर्मेशन जो मुझे मिली वो मुझे नहीं पता थी, स्पेशली अबाउट हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी. तो मुझे बहुत कुछ जानने को मिला एंड आई गेस ये शो बहुत अच्छा है, बहुत इन्फॉर्मेटिव है. इसको मैं एज अ लिसनर भी सुनना चाहूंगी आगे भी. थैंक यू सो मच. आई एम हैप्पी. थैंक यू सो मच. और कांग्रेचुलेशंस टू ऑल. कांग्रेचुलेशंस इंडीड. थैंक यू सैमुअल जी. से हम मिलेंगे ग्रैंड फिनाले में. लेकिन लिसनर्स आप कहीं मत जाइए, क्योंकि इसके बाद बदलते दौर डिबेट में मैं आपको फिर मिलूंगा चंद मिनटों बाद. तो बने रहिए रेडियो उड़ान के साथ. थैंक यू. बाय बाय. मुद्दे जो बात करे हमारे समाज के हित की, जिसकी बहुत लिमिटेड मोबिलिटी है उसको कोई अब्यूज करे वो भाग के या दौड़ के खुद के बचाव में जाएगा भी कहां. सो इस तरह से कई वजह हो सकती हैं. एक्सपर्ट्स की बातें जो छुए हमारे दिल को. ये निश्चित है कि मानसिक स्तर पर दृष्टिबाधित लोग बहुत सशक्त होते हैं और इतनी सरलता से हार नहीं मानते. जी हाँ दोस्तों, मैं दानिश महाजन बदलते दौर में रखूंगा एक नजर अपने समाज की तमाम गतिविधियों पर. तो सुनना मत भूले बदलता दौर मेरे साथ हर रविवार 9 से 10 और पुनः प्रसारण सोमवार 4 से 5 सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर.